हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, अनदर एपिसोड ऑफ फिट फन ब्लॉग्स। आई होप यू गाइस आर फिट एंड हैविंग फन इन लाइफ। दोस्तों, आप लोग का अपना चैनल फिट फन ब्लॉग्स, जहां पे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में एंड ऑफकोर्स लाइफ स्टाइल रिलेटेड चीजेस के बारे में। अभी तक आई एम नॉट श्योर, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मेरे वॉइस में आई एम श्योर थोड़ा सा डिफरेंस फील कर रहे होंगे आप लोग। दैट इज ओनली बिकॉज कि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, ऑफकोर्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, ये कोविड नहीं है आई एम श्योर, बट ये एक जनरल जो आपका रनिंग नोज होता है उसके पर्सपेक्टिव से ऑफकोर्स फीवर थोड़ा बहुत 19-20 है, बट आई थिंक मैनेजेबल है। सो ये जो यू नो सिचुएशन मेरे पास अभी आई, जो कोल्ड कफ एंड थोड़ा बहुत यू नो फीवर जो भी हो रहा है, तो इसकी वजह से गाइस मैंने ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिमाग में थॉट आया एंड आई एम श्योर आप लोग भी अग्री करेंगे, विच इज़ वाई आप लोग ये वीडियो देखने आए हैं। सो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको फीवर होता है, राइट, जैसे अभी मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया गाइस, तो मैं यहाँ इंस्टा पे का यहाँ पे कहीं हैंडल दे दूंगा, आप उस पर जाके मेरे इंस्टा के हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, ऑफकोर्स वो भी फिट फन ब्लॉग्स के नाम से। आप देख सकते हैं कि मैं अपनी फिजिक या अपनी जो एक्सरसाइज जो मेरी फेवरेट है, जो मैं सब अपने रूटीन में डाला हुआ है, वो मैं शेयर करता हूँ। सो गाइज ऑफकोर्स ये जो गोल्डन कफ हो रहा है मुझे, मैं उसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन में था, मेरे को लगा कि क्या इसकी वजह से मसल लॉस हो सकता है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि फिटनेस के पर्सपेक्टिव से अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, या फिर ऑफकोर्स आप अपने डाइट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपके दिमाग में थॉट आता ही है कि क्या फीवर या कोल्ड या कफ की वजह से मेरा मसल लॉस हो सकता है। सो गाइस इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको सिंपल तीन चीज़ें बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स आपका मसल लॉस नहीं होगा। ट्रस्ट मी, अगर एंड स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जिन्होंने यू नो नेचुरली अपनी बॉडी को अचीव किया है, ऑफकोर्स मैं बोल रहा हूँ नेचुरली इन द सेंस आप प्रोटीन शेक से जाते हैं, बट उसके बियॉन्ड यू नो जो कि थोड़ा अननेचुरल ग्रोथ हार्मोन टाइप सब्सटेंस है, अगर आपने वो लिया देन इट इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। उसके मतलब उसको ना लेने की वजह से ऑफकोर्स आपकी बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है और जल्दी वापसी यू नो बैक टू जीरो हो सकता है। बट मैं आपको बात कर रहा हूँ वो नेचुरल बंदे लाइक मी और यू नो लाइक यू ऑल, जो कि सिर्फ प्रोटीन तक अपने आप को एक्सटेंड रखते हैं और यू नो उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी से खर्चा किया है, चाहे वो प्रोटीन शेक्स पे हो चाहे वो डाइट पे हो, वो वेस्ट ना जाए, राइट। सो चलिए गाइस इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स सी कि पहली चीज क्या है जिसका आपको ध्यान रखना है ताकि आपका मसल लॉस ना हो अगर आपको कोल्ड कफ या फीवर है। ओके गाइस, सो हमारी सबसे पहली चीज है वाटर इनटेक। यस ऑफकोर्स ये स्पेसिफिकली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका फीवर 100+ रहता है। अब आप 100+ फीवर पे आपका जिम जाना बिल्कुल भी सही नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी इट इज नॉट गुड। आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने वाले और द वर्स्ट पार्ट इज ऑफकोर्स आपके हार्ट बीट में इंक्रीज आता है, आपकी बॉडी यू नो बहुत सोरनेस आ जाता है बिकॉज आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है, राइट, आप डिहाइड्रेशन के लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए 100+ के बाद तो आपको जिम करना ही नहीं है पहली चीज, और ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो यू नो 100+ है, जिनका फीवर 100+ चला गया है, राइट, और उनको क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज गाइस आपको वाटर का इनटेक मेंटेन करना है। ऑफकोर्स इसका कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है कि पानी कितना पीना है। अब आप हर आधे एक घंटे में 300 से 400 ml पानी पी सकते हैं, यानी एक ग्लास ऑफ वाटर पी सकते हैं, एंड आपको उतना ही पीना है ताकि आपकी प्यास बुझ सके, ऐसा नहीं आपको पेट फुला के पानी पी लेना है, राइट। पानी पीने का रीजन क्या है गाइज, आप जो स्वेटिंग करते हैं उस स्वेटिंग की वजह से कि आपके जो सेल्स होते हैं बॉडी में, मसल में सेल्स होते हैं, जो जितनी भी आपकी स्किन है, जो भी आपकी बॉडी सेल्स से बनी है, राइट, वो सारे डिप्लीट होने लग जाते हैं बिकॉज उनमें से आपका हर तरह का फ्लूड बाहर निकलने लगता है, चाहे वो पानी है चाहे वो सॉल्ट है, राइट। सो आपकी बॉडी उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है और वो एक कैनाबॉलिज्म की स्टेट में आ जाती है, जिसकी वजह से वो आपके मसल टिश्यूज में से प्रोटीन को खाने लगती है। सो उसको रोकने के लिए पहली चीज हमें हाइड्रेटेड रखना है, हमारा जो भी स्वेटिंग हो रहा है हम उसको यू नो पानी को रिफिल करते रहना है। आई एम श्योर थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज जब आपका फीवर ज़्यादा हो तो आपको लगता हो कि नहीं यार खाना पीना नहीं है, बट गाइज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप लोग नहीं लेंगे वो पानी वो फ्लूड्स नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी एंड वो मसल को ही कंज्यूम करेगी। और आपको पता है फॉर अस जो भी हम यू नो इंडियन फिजिक वाले बंदे, हम 4 से 5 लीटर इजिली कंज्यूम कर सकते हो आप इन अ डे, वही आपको उतना ही टारगेट रहना है, आप चाहे उसे गुनगुना पियो अगर आपका सोर थ्रोट है या आप नॉर्मल पियो, बट आपको पानी पीना है। एंड सेकेंडली
अगर आपको ज्यादा पानी पीने में मजा नहीं आ रहा है तो वो इलेक्ट्रोल जैसे सेशे आते हैं मेडिकल स्टोर में, जो कि आपका सॉल्ट ग्लूकोज के लेवल्स को वापस रिप्लेनिश करने में आपको मदद करेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप इस दौरान कर सकते हैं, सो दैट आपका मसल मास रिड्यूस ना हो। ओके गाइस, सो आई एम श्योर आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, विच इज फूड। यस, फूड से मेरा मतलब है आपको अपना कैलोरी इनटेक मेंटेन करना है। हार्ड में क्या दोस्तों, आपका मैक्रो प्लानिंग की भाई मेरा बॉडी वेट 90 है, अगर 90 केजी है मेरा बॉडी वेट, सो फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 220 प्रोटीन चाहिए या 350 कार्ब चाहिए, 70 फैट चाहिए, लीव इट। आप उस समय अपने मैक्रोस को कैलकुलेट करने मत बैठो। द ओनली थिंग इज आप कोशिश करें हेल्दी डाइट लें। ऑफकोर्स ऐसा भी कुछ नहीं लेना जिसकी वजह से आपके गट को प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि आप जाके अपने वे प्रोटीन के ही तीन तीन चार चार स्कूप एक दिन में ले रहे हैं, नॉट गुड एट ऑल, नॉट गुड। ऑफकोर्स आइसोलेट जैसे प्रोटीन फिर भी डिफरेंट है बिकॉज दे आर लाइट टू डाइजेस्ट, बट वे प्रोटीन जितने भी हैं आप दो स्कूप से ज्यादा ना लेना। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं डाइट ले रहा हूं तो मैं स्कूप बढ़ा दूं, आपके गट में बहुत प्रॉब्लम होने वाली बिकॉज पेट में गर्मी बन जाती है बिकॉज ऑफ ऑल द मेडिसिन। सो आपको इजी टू डाइजेस्ट वाली चीजें लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कर्ड ले सकते हो जो कि अगेन गुड है फ्रॉम अ प्रीबायोटिक परस्पेक्टिव, आपको प्रोटीन का भी सोर्स देगा एंड आपके बॉडी में थोड़ा सा ठंडा भी ठंडक भी देता है। सो कर्ड जैसी चीजें ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, प्रोटीन के परस्पेक्टिव से लाइट चीजें जैसे कि चिकन ले सकते हैं, एक बॉइल्ड एग्स भी ले सकते हैं फॉर दैट मैटर अगर आप लोग चिकन प्रेफर नहीं करते हैं। बट एंड ऑफकोर्स अगर जो एग भी प्रेफर नहीं करते हैं तो आप लोग दालें ले सकते हैं कि आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, नॉर्मल दाल खिचड़ी की फॉर्म में ले सकते हैं, बट आपको अपना प्रोटीन का इंटेक मेंटेन करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार बंदा बीमार है तू प्रोटीन की बात कर रहा है, बट गाइज बिलीव मी और नॉट, प्रोटीन की वजह से आपके जो बॉडी के मैं कैसे बताऊं सोल्जर्स है ना जो बीमारी से लड़ने वाले, विच इज आर वाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स के डेवलपमेंट में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच इज वाई मैं आपको एम्फसाइज कर रहा हूं कि आप उस प्रोटीन के इंटेक पे ध्यान दें। आप कार्ब कितने ले रहे हैं, फैट कितने ले रहे हैं, ऑफकोर्स आई एम श्योर ऐसा तो है नहीं कि आप बीमारी में जाके चीज बर्गर खाने बैठ जाएंगे, बट आपको प्रोटीन का इंटेक एक लेवल तक मेंटेन रखना है। और ऐसा भी नहीं है कि जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बताता आया हूं कि 2 grams ऑफ प्रोटीन पर केजी, नहीं, आप 1 gram पर केजी भी लेंगे तो भी इनफ है, बिकॉज आपका फीवर के टाइम में पहली चीज फिजिकल एक्टिविटी खत्म होगी। जो आप मॉडरेटली एक्टिव या हाईली एक्टिव है, आप ऐसा नहीं है, आप लो एक्टिविटी पे आ चुके हैं। सो 1 gram से 1.2 grams पर केजी प्रोटीन आपके लिए मोर देन इनफ है टू मेंटेन योर मसल मास, राइट। सो ये था गाइस हमारा दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, विच इज स्लीप। यस गाइस, स्लीप बहुत जरूरी है। आई एम श्योर थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज जब आपको फीवर है तो सोने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज अनइजीनेस होती है। मेरे को तो खैर सांस में प्रॉब्लम हो रही है, तो यू वोंट बिलीव कई बार अब भी मतलब पास्ट 2 days में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक सो रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू स्लीप। भले मैं टुकड़ों में नैप लेना लगे, अभी 4 घंटे सो रहा हूँ, अभी 3 घंटे सो रहा हूँ, अभी 2 घंटे, बट ट्राई टू टेक दोज स्लीप्स। आई एम श्योर मुश्किल है कि लगातार 8-9 घंटे नींद नहीं आएगी फीवर में, बॉडी तप रही है, कहाँ से बंदा सोएगा, बट अगर आप बिट्स एंड पीसेस में लेंगे तो भी आपकी बॉडी रिलैक्स कर पाएगी। स्लीप करने की वजह से बॉडी अपने आप को खुद ही हील करती है, खुद ही रिजुविनेट करती है, तो आपको स्लीप पे भी फोकस करना है। सो गाइज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई एम श्योर आपको ये 3 tips ईजिली हेल्प अच्छी लगी होंगी। मेरा आइडिया ये सब शेयर करने का सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे पे बीती, तो आई एम श्योर आप लोग भी एज अ फिट फन फैमिली या एज एन इंडिविजुअल सोचते होंगे जब मेरे फीवर होता होगा कि भाई अब मेरे हार्ड अर्न मसल्स का क्या होगा। तो आप ये 3 tips सिंपली अपनाएं एंड आई एम श्योर आपका मसल मास कहीं नहीं जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज आपको सिर्फ आराम लेना है गाइस, 100 से ऊपर का फीवर जो भी होता है उसको एटलीस्ट 3-4 days का 5 days लगते हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आपकी हार्ड अर्न मसल्स बिल्कुल ही डिप्लीट हो जाए। हाँ, ये 3 चीजें करके आप उन्हें सेव कर सकते हो, बट जब ट्रस्ट मी आप वापस जाओगे उन 5 दिन के बाद, बिकॉज यू आर ऑल नेचुरल, आपको पता है आपकी डाइट क्या होगी, यू विल कम बैक विद इन अ वीक। सो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर मेंटेन रखना है एंड ऑफकोर्स विश मी लक कि मैं भी जल्दी से इस कोल्ड कफ से रिकवर कर पाऊँ। टिल द टाइम अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने नोन्स के साथ, और अगर आपको भी लगता है मुझे कोई टॉपिक कवर करना है जो आपकी मदद कर सकता है आपके नोन की, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। टिल द टाइम गाइज स्टे फिट, हैव फन एंड बाय बाय फॉर नाउ।